मैं हूं किशोर स्वर्ण इसरानी। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह जहां अयोध्या धाम में बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश भर ने लाइव देखा है, वहीं मथुरा के ये रिफाइनरी नगर क्षेत्र की कदमयार कॉलोनी में भी आज उत्सव का माहौल है और यहां के जितने भी स्थानीय लोग हैं उन्होंने मिलजुल कर आज प्रोग्राम आयोजित किया है और उन्होंने बच्चों के साथ कुछ नाटक भी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कोई श्री राम जी के रूप में आया है, कोई सीता जी के रूप में, कोई लक्ष्मण के रूप में, कोई हनुमान के रूप में और किसी ने यहाँ पर जटायु का रूप धारण किया है। इस तरीके से इन सभी ने अपने अपने रूप में पात्र वो जिए हैं जिन्होंने हम सबको एक शिक्षा दी और यहाँ पर श्री राम जी के प्रसंग को सभी ने देखा और सराहा। तो ये सब बच्चे मेरे साथ हैं और इन्हीं बच्चों ने वो रोल अदा किया, जो भूमिका अदा की, और इन बच्चों के साथ वो खुशियाँ भी जुड़ी हुई हैं जिन्होंने आज ये सबको दिखा दिया कि हम सब अगर राम जी के साथ जुड़ जाते हैं तो कैसे हमारे जीवन में आनंद आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्होंने श्री राम जी का ही रोल निभाया है, मैं उनसे बात करता हूं कि आखिर उन्हें ये राम की भूमिका निभाकर, राम का चरित्र निभाकर कैसा लगा है। तो मेरे साथ हैं, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरा नाम कनक महाजन है और मैंने आज के कार्यक्रम में राम जी की भूमिका निभाई है। जैसे कि हम जानते हैं कि राम हमारे हृदय सम्राट है, तो मुझे इससे बहुत अच्छा लगा है। जैसे हमारा आज का इतना ही प्रयत्न था कि हम लोगों को बता पाए कि राम जी का कैसा था, और बस आज का कार्यक्रम काफी अच्छा रहा। तो इन्होंने, चाहे बच्चों के पास अल्फाज नहीं है लेकिन भावनाएं पूरी है कि किस तरीके से उन्हें खुशी हुई है कि एक राम का चरित्र हमारा जी पाए। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बच्चे हैं और देख रहे हैं हम कि इन्होंने क्या भूमिका निभाई है, इन्हीं से ही पूछते हैं। तो बच्चे बताओ आप क्या बने हो? जामंत बने हैं ये बच्चे और साथ में ये भी हैं, तो देख रहा है कि कुछ चोंच सी आगे दिख रही है, तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या बने हैं। मैं जटायु बनाऊँ। तो जटायु जी कैसा लगा आपको बनके? मेरे को बहुत गर्व हुआ कि मैं जटायु का रोल मिला और सीता जी को, मतलब सीता जी का रन हुआ था तो जटायु नहीं संदेश। तो इन्होंने बताया कि इन्हें जटायु का रोल निभाने का मौका मिला है और जटायु वो पात्र रहा जिन्होंने भगवान श्री राम जी को सीता जी का रास्ता बताया और इस तरीके से उनको छुड़ाने का भी प्रयत्न किया जब रावण उनका हरण करके ले जा रहे थे। तो हर पात्र हमारे जीवन में हो, हम हर किसी से शिक्षा लें तो हम बहुत कुछ रामायण से सीख सकते हैं। तो आप भी हमारे सामने हैं, ये खुद ही अपना परिचय देंगे क्योंकि ये वो हंसी है जिस हंसी में सब कुछ छुपा हुआ है और ये हंसी वो है जो आप सब समझ गए होंगे कि हंसता तो हर इंसान वो है जो अपने अभिमान हमेशा आगे बढ़ाता जाता है। तो हम जान गए होंगे कि ये किन का रोल निभा रहे हैं, तो ये अपने मुंह से कहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने लंकापति रावण का रोल निभाया है आज और इस रोल को निभाने में मुझे बहुत खुशी हुई है। तो इन्होंने बताया कि ये लंकापति रावण बने हैं, हालांकि इनको बहुत खुशी हुई है कि ये राम जी की सेवा करने का अवसर मिला है। ये पात्र तो जरूर रावण का निभा रहे हैं लेकिन इनके अंदर जो गुण आए, ये सोच रहे हैं कि मेरे अंदर भी राम जी वाले गुण आए। तो ये सारी कॉलोनी आज मेरे पीछे है और ये देख रहे हैं कदम बिहार के लोग हैं और इस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में ये मिलजुल कर शामिल हुए हैं और ये हम सब देख रहे हैं कि कदम बिहार आज राममय नजर आ रहा है। तो इस पूरे कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ, इनका नाम जानता हूँ और क्या रहा आज के कार्यक्रम में, तो आप बताइए आज के कार्यक्रम के संदर्भ में। जय श्री राम। अच्छा लगा हमें अपनी कॉलोनी में ये प्रोग्राम करके, यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही प्यारी भूमिका निभाई और इन्होंने ये संदेश दिया छोटे छोटे बच्चों को कि राम जी के द्वारा किस तरीके से हम यहाँ पे राम राज्य ला सकते हैं। और आज अयोध्या का निर्माण हुआ है, उद्घाटन हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि हर घर में राम आए और रावण का वध हो जाए। जय श्री राम। तो आज कदम बिहार में ये राममय वातावरण सभी ने देखा और सारी झलकियों के साथ मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा। आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए किशोर स्वर्ण इसरानी के साथ।
खास खबर। Yeah.